Guys, thank you so much for your visit to our family. We need your support and love. Please press subscribe button and bell icon. It's totally free. Good luck for your exams. Now enjoy. हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है फिर से यूट्यूब चैनल पर मेरे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, यूपी टीईटी की जो विज्ञप्ति है वो आ चुकी है और आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं जो भी यूपी से हो। बाकी हम सी टेट की तैयारी तो कर ही रहे हैं। जो लोग भी इसके बारे में अवेयर ना हो, उन लोगों को मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का सी टेट है तो बहुत जगह वैलिड है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, बट कुछ स्टेट पर्टिकुलरली उस स्टेट का टीईटी भी एलिजिबिलिटी में रख देते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि एक तो हरियाणा में मैंने देखा था कि और हिमाचल प्रदेश में देखा था, लेकिन जैसे उत्तराखंड में है तो यहाँ पर सी टेट अगर आपका है तो आपको यहाँ का पर्टिकुलर टीईटी पास करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में है, जैसा कि 2013 में मेरा सी टेट और यू टेट दोनों क्वालिफाई हो गया था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि गवर्नमेंट का कुछ भरोसा तो होता नहीं है फ्रेंड्स, कि कब कौन सा क्या रूल चेंज कर दें और फिर आपको प्रॉब्लम हो किसी छोटी सी तैयारी की वजह से। टी या सी टेट कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं है, आप लोगों को बड़े कंपटीशन फाइट करने हैं उसके बाद के। आप जैसा कि देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि टीईटी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लाने के लिए है लोगों को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने टीईटी क्वालिफाई कर लिया है या सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, तो अब आपका कंपटीशन किन के साथ में है जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, ठीक है, टीईटी। तो अब आपका कंपटीशन और बड़ा हो जाता है। तो कंपटीशन तो टीईटी या सीटेट पास करने के बाद ही है, उससे पहले कोई इतना इतना बड़ा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है टीईटी या सीटेट। तो अगर आप लोगों को लगता है कि सीटेट और टीईटी बड़ी बात है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी और ज़्यादा बढ़ाइए। रोज़ आपको कम से कम आपको 6 से 7 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। अदरवाइज़ सॉरी टू से दैट कि नहीं हो पाता, ठीक है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं भी कोई रेगुलर कॉलेज का स्टूडेंट नहीं था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ही मेरा ग्रेजुएशन। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि एक्चुअली हमारे उत्तराखंड में क्या होता है कि हमारा प्राइवेट कोर्स चलते हैं और उसमें यह होता है कि हम नहीं जा पाते कॉलेज, ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इग्नू या वगैरह, वहाँ तो चलो एजुकेशन सेंटर्स होते हैं उनके। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप टीईटी या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पे तो फोकस करिए ही, साथ में अपनी जो पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है उस पर भी फोकस करके रखिए, क्योंकि क्लियर करने के बाद आपका रियल आपका कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। और मैं आप लोगों को अगर बताऊं कि जो मेरी तैयारी थी या मैंने किस तरह से किया, वो यही था कि मैं भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहा था उस टाइम पे, मैं भी बिज़ी था या मैं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहा था, 10 से 12 घंटे पढ़ा रहा था। लेकिन मैंने अपनी जो तैयारी रखी वो यही रखी कि जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे पढ़ाना है इंग्लिश तो मैं इंग्लिश लिटरेचर ही कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता था उस टाइम पर, ठीक है। या मैं अगर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर अगर उस टाइम पे पढ़ा रहा था बैंक पीओ या एसएससी के लिए, तो उसने मुझे बहुत मदद की। या मैंने, क्योंकि मेरा इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था, इंग्लिश ही मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मेरा हिंदी या मेरा जीके वीक हो रहा था। तो इस वजह से मैंने अपना कोचिंग, एक छोटा सा कोचिंग सेंटर दिल्ली में खोला था, उसमें पढ़ाना शुरू कर दिया था और उसमें मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाया करता था। और जो भी 2 टीचर्स जो वहाँ पर आते थे तो मैं उनसे रीजनिंग और मैथ्स अपनी सीखा करता था। तो फ्रेंड्स, सीखने में कोई ये नहीं है कि आप किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे वो आपसे एज में कम हो या आपके अंडर काम कर रहे हो, पर फिर भी जिनके पास नॉलेज है उनसे गेन कीजिए और फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है यार, क्योंकि एक बार एज निकलने के बाद इंसान का उतना फोकस नहीं रह पाता, ये सच है, ठीक है। आप लोगों को कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये बात सच है कि आप लोगों का क्या, हम सभी का ये होता है कि एक एज आने के बाद थोड़ा सा हमारा जो फोकस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, फैमिली में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों से अगर आप मतलब इन चीज़ों से अगर आप नहीं घिरे हैं तो बहुत अच्छा, अगर घिरे हुए हैं तो भी मैं यही कहूँगा कि आप 6 to 7 आवर्स देने की कोशिश तो कीजिए। तो चलिए ये जो UPTET का नोटिफिकेशन है इसके बारे में मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाह रहा था कि अगर किसी के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो लोग नहीं जानते इसके बारे में या उनके माइंड से निकल जाती कई बार बातें, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड, ये आपकी वेबसाइट है, इस पर जाकर आप UPTET का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको HDFC पेमेंट गेटवे का लिंक होगा और वहीं से आपको फ़ी पे करनी होगी। तो ऑनलाइन जो शुरू हुई थी वो 18/9/2018 को शुरू हुई है और 18/9/2000 से ही आप शुल्क भी जमा कर सकते थे। वहीं से अभी 2 दिन ही हुए हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि आपके वो 4/10/2018 है, इसलिए भूलिए मत। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी इसे कर लीजिए, नहीं तो वेबसाइट्स की भी प्रॉब्लम होती है। ये इंडिया है, यहाँ वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैंग होती है क्योंकि लोग ही इतने हो जाते हैं, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। तो निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 5/10/2018 है और 6/10/2018। तो आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सीटेट, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। और अभी तक हम इस अपने चैनल पर 15 वीडियोस सीटेट और यूटेट की जो पैडागॉजी और साइकोलॉजी है उस पर बना चुके हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मैथ्स और साइंस की कुछ वीडियोस हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाएं। और अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको 200+ वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगे इंग्लिश लिटरेचर से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे अपनी सारी वीडियोस और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, आप सभी बहुत जल्दी आप लोगों को आपकी मंजिल मिले, आप लोगों की भी जॉब बहुत जल्दी आप लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।